और गोवा में नवनियुक्त सीएम प्रमोद सावंत ने पदभार ग्रहण कर लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता थी कि मनोहर पर्रिकर का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसके लिए पूरे दिन बैठकों का दौर चला। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी ने कई बैठकें की। तब जाकर रात 2 बजे बीजेपी के युवा नेता प्रमोद सावंत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 40 विधानसभा सीटों वाले गोवा में 2017 में चुनाव हुए थे, जब बीजेपी बहुमत से दूर थी और गठबंधन के सहारे सत्ता में आई थी। लेकिन मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद साथियों को मनाना नामुमकिन हो रहा था और साथ में ही अपने विधायकों को भी बचाना चुनौती था। यही कारण है कि प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बने। वहीं सहयोगी दलों महाराष्ट्रवादी गोमतंग पार्टी के सुदीन धावलीकर और गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। Just wait.